कल हमने किया था कि x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n के कितने सॉल्यूशन होंगे और वो कौन कौन से होंगे। इससे आज आगे चलते हुए हमारी आज खासियत है कि x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मोड टाइप n के कितने सॉल्यूशन होंगे और वो कौन से होंगे, सॉल्यूशन होंगे कि भी नहीं। बिफोर गोइंग टू दिस, फर्स्टली हम एक सिंबल की बात कर रहे हैं, पी बी एन ओड प्राइम एंड ए पी का जी सी डी 1 है, ए और पी का द लेजेंडरी सिंबल इज आंसर इज 1 इफ एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी हैज ए सॉल्यूशन। Has a solution. और माइनस वन इफ एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी इज नॉट सॉल्वेबल। ये सॉल्वेबल होगा और ये नॉट सॉल्वेबल होगा। इसका आंसर निकालने का तरीका क्या है वो भी सुन लीजिए। ए रे टू पावर पी माइनस वन बाई टू कॉन्ग्रुएंट टू मोड ऑफ। अब हम एक थ्योरम की स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इफ पी इज एन ओड प्राइम एंड ए एंड पी का जीसीडी 1 है, देन एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी एन वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज ए सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ लेजेंडरी सिंबल ऑफ ए पी ए बाई पी इज 1। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन है इफ एंड ओनली इफ का। सबसे पहले हम करते हैं सपोज दैट AP is equal to 1. What is the meaning of this? Suppose that, पहले हमने ये लिया कि x square congruent to A mod P की power has a solution x mod. तो जो सॉल्यूशन होता है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। ओके, हम आगे बात चलते हैं। इसका मतलब पी एन जो है इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वी नो दैट पी डिवाइड्स पी रेज टू द पावर एन। इससे और इससे हम क्या समझते हैं कि P डिवाइड्स दिस, इट मीन्स X नॉट स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू A मोड P, दिस मीन्स X स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू A मोड P इज सॉल्वेबल, यानी कि इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है This means this is congruent to 1. अब हम इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं। कन्वर्स कैसे प्रूव करेंगे, सपोज दैट कि हमें ये 1 दे रखा है और शो क्या करना है, टू शो दैट x स्क्वायर congruent to a mod P raised to the power n is solvable. कैसे करेंगे देखिए, हम इसके ऊपर इंडक्शन लगाएंगे। इफ n इक्वल टू 1 तो हमें यह प्रूव करना है कि यह सॉल्वेबल है किसके लिए, मोड p के लिए।
इसका अपना ये जो लेजेंडरी सिंबल दे रखा है मैं, दिस ऑल इंप्लाइज दैट कि दिस इज सॉल्वेबल। यहां से प्रूव हो गया दिस इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। अब क्या करते हैं हम, अज्यूम दैट द रिजल्ट holds for n is equal to k greater than 1. So, x square congruent to a mod of pk admits a solution, say x naught. Firstly, हम ये प्रूव करेंगे कि ये x naught P के साथ कॉन्ग्रुएंट वन बनाता है। कैसे? इफ पॉसिबल मान लेते हैं कि x और कॉन्ग P का जीसीडी P है, तो क्या होगा? यदि दोनों का जीसीडी P है तो क्या होगा? मैंने कहा ना ये इसका सॉल्यूशन है, तो P रे टू दी पावर के इसको सेटिस्फाई करेगी। P रे टू पावर k को डिवाइड करता है, दोनों बातों से ये आ जाएगा कि P डिवाइड्स दिस। तो व्हाट दिस प्रूव्स, व्हाट दिस शोज, क्या शो करता है ये कि x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड ऑफ p, ठीक है, और x नॉट p से डिवाइड होता है। ये आप यदि ये लेते हैं, इट मींस कि a और p का जीसीडी भी, क्योंकि ये चीज पूरी p से डिवाइड हो रही है, p होगा, जो कि कंट्राडिक्शन है। तो पूरा कंसेप्ट हमें ये बताता है कि ये कंट्राडिक्शन है, इट मींस x नॉट और p का जीसीडी भी वन होगा। तो अब हमने यहां माना क्या है कि x नॉट इसका सॉल्यूशन है, x नॉट इसका सॉल्यूशन है, इट मींस x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पी के फोर सम बी बिलोंग्स टू इंटीजर, सम एन एप्रोप्रिएट बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ठीक है, बी बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां बी की चॉइस को बहुत महत्व है, ठीक है। कई लोग ये भी लिखते हैं वर्डिंग, मैं इसकी बजाय वो दूसरी वर्डिंग बता देता हूं, फॉर एन एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ बी, नाउ वी शैल use x naught and b to write down explicitly a solution to x square congruent to a mod p raised to the power k plus 1, यानी कि इसकी और इसकी सहायता से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए, इसके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, फर्स्टली फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x नॉट y कॉन्ग्रुएंट टू माइनस बी मोड ऑफ p। आपने एक बात कही थी कि x नॉट और p का जीसीडी 1 है एंड p इज ओड प्राइम है, तो 2 और x नॉट p का जीसीडी भी 1 हो जाएगा, ओके। तो अब हमें प्रूव करना है कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसका ये 1 है और 1 जो है माइनस b को डिवाइड करता है, दिस सेज दैट This has a
यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। से दिस यूनिक सॉल्यूशन टू वाई नॉट। ठीक है, वाई नॉट किसका सॉल्यूशन है फिर देख लो, वाई नॉट इसका सॉल्यूशन है। लेट अस कंसीडर एक्स वन जो कि है एक्स नॉट वाई नॉट पी के। एक्स वन का जो स्केयर होगा वो क्या होगा? एक्स नॉट वाई नॉट पी के का स्केयर। खोलेंगे तो क्या आएगा? एक्स नॉट स्केयर वाई नॉट स्केयर टू पी के प्लस टू एक्स नॉट वाई नॉट पी रे टू द पावर के। ध्यान से देखो, आपने इसकी वैल्यू को क्या रखा हुआ है? एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ बी की बात की थी हमने, ठीक है। तो दिस विल बिकम्स टू ए प्लस बी पी की पावर के, इसको आगे ले आओ टू एक्स नॉट वाई नॉट पी रे टू द पावर के वाई नॉट स्क्वेयर पी रे टू द पावर टू के। अब हमें दे रखा है कि p जो है इसको डिवाइड करता है, कहां दे रखा है वो देखिए, हमने जो ये y नॉट ढूंढा था इसी शर्त के साथ ढूंढा था कि इस b को इधर ले आएंगे और ये पीछे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब p रेज टू द पावर k प्लस वन इसको डिवाइड कर देगी। तो यदि हम x1, अच्छा एक बात, दूसरी बात, यहां पर हमें कह रखा है कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो p प्लस k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, यस। तो हम ये कह सकते हैं k प्लस k ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1 हो जाएगा, तो p की पावर 2k कॉन्गुरेंट टू 0 देगी मोड ऑफ p की पावर k प्लस 1। तो यदि p की पावर k प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये चीज भी खत्म हो जाएगी, केवल क्या बचेगा? ये बचेगा। तो x1 स्क्वायर इज कॉन्गुरेंट टू a मोड ऑफ p रे टू द पावर k1। तो इसका मतलब x1 इसका क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो हमने n से कहां, k से कहां पर ले आए? के प्लस वन पर लिया है। तो अब हम आपको थोड़ा सा और इसके बारे में एक एग्जांपल बताते हैं, देन वी कम्स टू द क्वेश्चन। व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस? इसके क्या सॉल्यूशन होंगे? फर्स्टली आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर कॉन्गुरेंट टू टू मोड सेवन का सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं उसका इससे पता लगेगा, टू की पावर सेवन माइनस वन कॉन्गुरेंट टू टू, जिसका उत्तर वन आ जाएगा मोड सेवन में। तो इट मींस इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। चेक किया, जीरो इसका सॉल्यूशन नहीं है, चेक किया वन इसका सॉल्यूशन नहीं है, चेक किया टू इसका सॉल्यूशन, यस थ्री इज इट्स सॉल्यूशन। थ्री इसका सॉल्यूशन है तो माइनस थ्री भी होगा, माइनस थ्री मतलब फोर मोड ऑफ सेवन। तो हमें इसके दो सॉल्यूशन मिल गए, वन इज थ्री एंड अनदर इज फोर। इसके एक्स स्क्वायर कॉन्गुरेंट टू 23 मोड ऑफ सेवन। अब सेवन स्क्वायर के कैसे निकालने हैं उस बात पर मैं आ रहा हूं। आपने मान लिया कि एक्स नोट हमारा तीन है, ठीक है जी। तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि एक्स नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी पी के, पी है भी वन, पी है सेवन, यानी कि ए 23, बी हमने छांटना है, पी हमारे पास कितना है 7। एक्स नॉट तीन है 9, ऐसा बी छांटिए कि सेटिस्फाई हो जाए,
अप्रोप्रिएट बी, तो आपके पास बी की वैल्यू आएगी जी माइनस टू। अप्रोप्रिएट बी कितना आया माइनस टू, तो अप्रोप्रिएट बी इज माइनस टू, करेक्ट। ये हर बार मिलेगा। नाउ टू एक्स नॉट वाई इज कॉन्गुरेंट टू माइनस बी मोड ऑफ पी, एक्स नॉट थ्री, तो ये सिक्स वाई इज कॉन्गुरेंट टू टू मोड ऑफ सेवन। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास फाइव, ठीक है। अब हमने x1 जो डिफाइन किया था, x1 आ जाएगा हमारे पास x नोट y नोट p रे टू दी पावर k। x नोट कितना था जी तीन, y नोट कितना है पांच और p है सात, मोड ऑफ उनचास। आंसर आ गया हमारा 38 मोड ऑफ 49। ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस 38 भी इसका सॉल्यूशन है, दैट इज इक्वल टू 11 मोड ऑफ 49। अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, हमें ये मिल गया कि इसके दो सॉल्यूशन है, एक तो 38 इसके, एक तो 38 और दूसरा 11, ठीक है। अगली क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे आपसे कि यदि इस पावर को दो की बजाय तीन कर दिया जाए तो क्या होगा। ओके, वेट टिल द नेक्स्ट क्लास।